वेलकम टू माई चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टोनर की बात करने वाली हूँ ना जिसे आप घर पे बना सकते हो सिर्फ दो चीज़ों की मदद से। पर देखो क्या होता है ना, आप जितनी चीनी डालोगे गाजर का हलवा उतना मीठा होगा। मतलब चीज़ें तो आप बहुत सारी डाल सकते हो, बट हमें शुगर पेशेंट का भी ध्यान रखना होता है, मतलब उन लोगों का भी ध्यान रखना होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं है। तो आज की जो वीडियो है ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। सिर्फ दो चीज़ों से आप एक ऐसा टोनर अपने लिए बना सकते हो ना जो आपकी स्किन को स्मूथ करता है, ओपन पोर्स पे काम करता है। ग्लास कोरियन स्किन तो पता होगी ना आपको, तो वो ग्लास स्किन आपको मिलने में, अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ। ये है वो DIY स्प्रे। फ्रेग्रेंस तो इसकी इतनी ज़बरदस्त है ना, मतलब मैं इसे छिड़क कम रही हूँ अपने ऊपर और सूंघ ज़्यादा रही हूँ इसको, क्योंकि इसे मैंने बनाया है गुलाब से। देखिए गुलाब के जो पत्ते होते हैं ना, उससे मैंने इसे बनाया है और बहुत सही बना है ये। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे आप इसे बना सकते हो। दो चीज़ें जो मैंने इसमें यूज़ करी है वो है गुलाब और चावल। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और वीडियो आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसे बनाया है। सबसे पहले मैंने बर्तन में एक गिलास पानी डाल दिया है, उसमें मैंने डाले हैं दो गुलाब के पत्ते। आपने कोशिश करनी है कि आपने लेना है देसी गुलाब, ये बुके वाला गुलाब नहीं होना चाहिए, उसमें से कोई फ्रेग्रेंस या कोई भी उसके बेनिफिट्स नहीं होते हैं। आपने लेने हैं देसी गुलाब। अब मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी और गैस कर दूंगी कम। 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा इसका। ये आप देख सकते हो, आप पत्ते बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और जो इस पानी की फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। पत्तों की शक्ल तो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, हमारा पानी हो चुका है गुलाब जल बिल्कुल रेडी। सेकेंड इंग्रेडिएंट के लिए मैंने यूज़ किया है चावल का। इसे मैंने 2 से 2.5 घंटे पहले भिगो दिया था थोड़े से चावल को। इसके पानी को हम इसमें डालेंगे। देखिए जो चावल का पानी होता है ना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत सही होता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी। वाटर तो एज अ टोनर ज़बरदस्त होता ही है, बट उसमें जब हमने चावल का पानी मिला दिया ना, तो उसके बेनिफिट्स डबल हो गए हैं। इसमें आप चाहो तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, चाहे तो आप एलोवेरा जेल ऐड कर लो, या फिर ग्लिसरीन, या फिर विटामिन ई की कैप्सूल, या फिर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर। कई लोग बोलेंगे एप्पल साइडर विनेगर यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं अगर आपको बताऊँ ना, कई ब्रांड्स, मतलब मेरे पास भी है ये वाओ का, ये स्पेशली एप्पल साइडर विनेगर वाला टोनर है और मुझे बहुत पसंद है। तो एप्पल साइडर विनेगर भी आप अपने टोनर में ऐड कर सकते हो। मैंने आज बहुत ही बेसिक लोगों के लिए बताया है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैडम इतनी सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, कुछ एक या दो चीज़ से बनने वाली चीज़ें बता दिया करो। तो आज का जो टोनर है ना, ये सिंपल सिंपल आप ट्राई कर सकते हो और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसे तो मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ और जब भी बाहर से आओ स्प्रे कर लो, बहुत सही, और इस तरीके से इसे सुखा लो। फ्रेग्रेंस तो ज़बरदस्त है ही, बेनिफिट्स भी बहुत सही हैं इसके। अगर आप चाहते हो एप्पल साइडर विनेगर वाला टोनर देखना, सीखना, क्योंकि ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करोगे। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।